नमस्कार जी। सत्यागुरु जी, क्या नाम है बहन जी आपका? किस्मती दास से। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली करावल नगर। बहन जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? भगत जी, हमने काल के लोग में काल की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। फिर उसके बाद हमें मतलब गुरु बनाने की इच्छा हुई, तो हमने गुरु बनाया कबीरपंथी, प्रतापगढ़ से थे। उनका नाम बैराग दास था। तो एक साल हमने भक्ति करा, फिर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे मन के इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, जैसे मन में कुछ टूटी थी, हमने कहा हमें तो गुरु बना लिए, फिर क्यों इतना दुखी रहते हैं। जैसे भूत प्रेत के बाधा रहता था और ओझा वैद्य बताते थे कि 21,000 लगेगा जब ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे ऊपर करा कराया है किसी ने, घर में ही भूत प्रेत कर दिया, तुम्हारा कारोबार सब बंद हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, इधर उधर जाकर संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर कबीरपंथी में भी जुड़ गए, नाम भी ले लिया हमने बैरागदास से, उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? मतलब हमारे पति देव गए थे वहाँ लालबाग इन्वर्टर लगाने, तो वहाँ गुरु गोविंद के फोटो लगा हुआ था। तो हमने उन्होंने बोला कि ये कबीरपंथी आप भी हो? बोले हाँ जी। तो बोले हम भी कबीरपंथी हैं। तो बोले कि कबीरपंथी हो कहाँ से? तो इन्होंने बताया हमने प्रतापगढ़ से नामदान लिया है। तो बोले कि हमारे पास एक ज्ञान गंगा है, आप ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, जैसे गीता वेद पुराण शास्त्र से अनुसार भक्ति बताते हैं हमारे गुरुजी, ये भक्ति करोगे तो अपने गुरुजी को भूल जाओगे। तो बोले कि ऐसी क्या बात है ज्ञान गंगा में? तब उन्होंने दिया ज्ञान गंगा, हमारे पतिदेव ले आए ज्ञान गंगा पुस्तक। एक साल हम लोग पढ़ते रहे, फिर पढ़ के हमें उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, फिर हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुँच गए, वहाँ से हम लोग संत रामपाल जी से नामदान लिया। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुआ। भगत जी से भूत प्रेत के बाधा था, सबने चढ़ावा चढ़ाने बोला था, 21,000, 2100 और बकरे चढ़ाओ, पूरी हलवा चढ़ाओ मसानी के, ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ प्रेत बाधा। तो फिर हमने जब संत रामपाल जी के शरण में गए, नाम दीक्षा लिए, हम लोग नाम लेके आ रहे थे, जैसे हमारी बड़ी लड़की थी उसे काल अटैक करा, उसके जैसे दौड़ा की बीमारी थी, ट्रेन में आते ही समय यहाँ सकुर बस्ती में जैसे उसे आया भरत परत के बाद हाँ, उसने एकदम हाथ पैर अकड़ गया। फिर हम लोग अमृत जल लिए थे गुरु जी के आश्रम से लाए थे, संत रामपाल जी के आश्रम से लाए थे, फिर उसके पिलाए, तुरंत उसे होश आ गया। संत रामपाल जी की दया से हमारी लड़की जो थी उसे मिर्गी की दवा दौड़ा आता था, वो ठीक हो गई। और लड़का हमारा 18-19 साल के घर से नाराज होकर भाग गया 12 बजे रात के। फिर उसे संत रामपाल जी मिले तो बोले कि बेटा तू ऐसा इतनी रात के तू कहाँ से यहाँ घूम रहा है? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आ गया। बोले कि घर से कोई नाराज होके आता माता पिता से? अच्छा घर चला जा। तो बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगा। बोले घर चला जा, ये ट्रक जा रहा है, ट्रक पे बैठा दिए उसे, कह रहे हैं इसे वहाँ भजनपुरा छोड़ देना इस लड़के के। तो ट्रक वाला लाया, भजनपुरा छोड़ के गया। फिर 2 बजे रात घर आया तो हमने बोला तू घर से नाराज होके गया था, कैसे आ गया? बोला कि एक लंबा चौड़ा आदमी मिला वहाँ, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा रात को? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आया। तो बोले कि घर से ऐसे कोई नाराज होके आता है? तो जैसे लग रहा था वो बताया कि मुझे जैसे संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल लंबा चौड़ा गुरु जी की तरह थे। फिर ट्रक पर बैठाया मुझे, बोले घर चला जाओ, आज के बाद नाराज होकर नहीं आते घर से माँ बाप से, जा घर पर जा। फिर आया घर पर और जैसे हम लोग जब नाम लेके आए संत रामपाल जी से तो जाप कर रही थी दोपहर में, तो ऐसे ही बैठे बैठे जाप करते करते मेरी आंख लग गई। तो हम दूते आए मुझे उठा के ले गए, फिर वहाँ गई लाइन में लगी थी, सब लाइन में लगे पड़े थे, जैसे बूढ़े जवान बच्चे छोटे छोटे सब रो रहे थे बिलक रहे थे, उसी लाइन में मुझे भी लगा दिए। तो बोले चल लाइन में लग जा तू भी। तो मैंने कहा कि मैं लाइन में क्यों लगूँ, मैं तो गुरु बना ली हूँ, कबीर साहब की बेटी हूँ। तो बोले कि कबीर साहब की बेटी है, तेरे गुरु कौन से हैं? मैंने कहा मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं, बरवाला में रहते हैं वो। तो बोले कि झूठ बोल रही, मंत्र बता। फिर मैंने कहा मंत्र तो मुझे याद नहीं है, जैसे हमारे गुरु जी कार्ड देते हैं उस कार्ड पे मंत्र लिखा रहता है, वो हम जाप करते हैं। बोला झूठ बोलती है। फिर बोला देख मेरा भैंसा मंत्र बोलेगा अभी, वो भैंसा बोलने लगा पहला मंत्र बोला। फिर मुझे याद आया हाँ हाँ यही हमारे गुरु जी ना मंत्र देते हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज।
तो बोला ठीक है इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिया, गड़ 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 एकदम गोल गोल घूमते घूमते नीचे आई, मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे बंदी छोड़ मैं कहाँ पहुँच गई थी। फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे भगवान मैं तो आज मर गई थी, मुझे तो परमात्मा गुरु जी जीवन दान दिए संत रामपाल जी महाराज। एक लाभ और है मेरे पास, बता रही हूँ परमात्मा की दया से। जैसे हमारे पति जी जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, नाले में गिर गए थे, वो पिछली भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के दुर्गा के, तो उनको वही चेतना याद थी, उन्होंने बोला हे शेरावाली मुझे बचा लो, चेतन होश में नाम लिए, फिर उनको होश नहीं आया, फिर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए नाले के अंदर। फिर उन्हें अचानक ही याद आया उनको जैसे गिरे पड़े थे कि हम तो गुरु बना लिए हैं संत रामपाल जी महाराज के, फिर उनको अचानक याद आ गया परमात्मा के, फिर उन्होंने परमात्मा का नाम लिया जैसे संत रामपाल जी महाराज हमारे, तो उनको याद करे फिर तुरंत उठ के बैठ गए, वहाँ से गाड़ी चला के घर तक आए 11 बजे रात को। संत रामपाल जी की वजह से आज उन्हें जीवन दान मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लड़की की मिर्गी की बीमारी ठीक हुई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके पति को जीवन दान दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही देना चाहते हैं, संदेश क्या कि प्रार्थना ही कर सकते हैं उनसे कि जैसे हम मनुष्य के जीवन पा के सत भक्ति करते नहीं थे, देवी देवता के चक्कर में बर्बाद होते गए, कारोबार हमारा लूट गया, मकान बिक गया, जैसे हम बर्बाद हो गए वैसे आप मत बर्बाद हो। संत रामपाल जी महाराज के चैनल पे सत्संग आता है देखो, और वेद अनुसार गुरु जी हमारे भक्ति देते हैं करो, और मनुष्य के जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद बहन जी, सत साहब।